किसी भी कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बदलाव। अगर आप बॉलीवुड मूवी की बात करो तो आइटम सॉन्ग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बट इन जनरल जब आप स्टोरी लाइन की बात कर रहे होगे तो जो रिवेंज वाले स्टोरीज होते हैं वो जनरली बेटर होते हैं, और वो जो रिवेंज फाइनली होता है वो एकदम पीक क्वालिटी का होता है। क्या आप इमेजिन कर सकते हो एक ऐसा रिवेंज जहाँ पे हमारे बाप को जिस बंदे ने मारा था उसने हमारे ही एजेंसी के अंदर एक अपने बंदे को भेजा है और हमें उस बंदे को मारने का मौका मिलने वाला है, उसके खिलाफ हमारे पास एविडेंस है और हम शायद हमारे बाप को जिस बंदे ने मारा था उसको भी मार सकते हैं। जी हाँ, दैट्स द टाइप ऑफ रिवेंज जिसके लिए मैं यहाँ पे हूँ और उसी प्रकार का रिवेंज हम यहाँ पे लेने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वेक है, टोटल लोडर्स की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई तो कृपया अपने घर वालों को कन्विंस करके फॉरिन जाना चाहता हूँ मैं बड़े बड़े जगहों पर जाके पढ़ने के लिए और बेहतर पढ़ाई करने के लिए। आपके घर वाले जितने मासूम हैं उन लोग आपको भेजेंगे फॉरेन में, सोचे कि भाई जान दो बच्चा बोलते ना पढ़ने के लिए जा रहा है, और किसी ऐसी कंट्री में जाना जहाँ पे अश्लील मूवी या फिर अश्लील ऑडियो बनाना लीगल है। फिर जब आप वहाँ पे जाओगे तो वॉइस चेंजर का उपयोग करके अपने जो मर्दांगे घाटी वॉइस है उसको एकदम सुपर सेक्सी फीमेल वॉइस में कन्वर्ट कर लेना और अश्लील ऑडियो फाइल्स बनाना शुरू करिएगा। जो भी आप अश्लील ऑडियो फाइल रिलीज करोगे उसके पीछे बार बार सब्सक्राइब टू वेक ऐसा रैंडम जगहों पे यूज करना ताकि लोग उसमें कंफ्यूज हो जाए, लोग आपकी ऑडियो पसंद आएंगे क्योंकि आप टैलेंटेड होगे, बट फिर पूछेंगे यार इसको कैसे हटा सकते हैं। तो एक पेट्रियन नहीं तो ओनली फैंस का पेज खोलेगा जहां पे आप लोगों को डाइवर्ट करो, यहां पे आके सब्सक्राइब करो और वेक को सब्सक्राइब करो तो ही आपका हटेगा। तो लोग ठरक में आपके ओनली फैंस को और मेरे चैनल दोनों को सब्सक्राइब करेंगे, और जब वो मेरे चैनल को देखेंगे उनको रियलाइज होगा कि अश्लीलता में कुछ रखा नहीं है, उनको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सफल होने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी जो मैं नहीं कर रहा अपने अपलोड शेड्यूल के मुताबिक। तो उन लोग अपनी जिंदगी में मेहनत करने लगेंगे और जब वो मेहनत करने लगेंगे पैसे कमाने लगेंगे तो वो कम्प्लीटली आपके बारे में भूल जाएंगे, लेकिन आपका जो सब्सक्रिप्शन है मंथली वो कटता रहेगा और आपको कॉन्स्टेंटली पैसे भेजते देंगे, बट इनसे वो मेहनत कर रहे हैं वो इतना ज्यादा पैसा कमा रहे हैं कि उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा कि भाई क्या कितने पैसे आपके पास जा रहे हैं। फिर उसमें से 40% कट आप मेरे को दे दीजिएगा। इसे मेरे चैनल का नाम, आपका ओनली फैंस का मॉडल और हम दोनों का बैंक बैलेंस दोनों बढ़ेगा, धन्यवाद। तो जितने लोगों को पता नहीं, हमने जिस जनरल की वजह से जिसके अंडर हमारा बाप काम कर रहा था उसको मार दिया, जो करप्ट बंदा जिसके वजह से हम ऑलमोस्ट पर गए उसको मार दिया, और हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि जिस एजेंसी के लिए हम काम कर रहे थे उस एजेंसी का एक बंदा हमारे खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है तो हम उसको मारना चाहते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे हमारी बंदी एंजेला के घर पे। तो हम जाते हैं और विंडो से साला कुछ दिख नहीं रहा लेकिन चेयर टूटी हुई है। अंदर जाती एक बंदा करके चिल्ला के भाग के आता है, एंड आई बी ऑनेस्ट, मैंने आज तक किसी पर हाथ नहीं उठाया, मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा किसी भी हाथ उठाए मर या फीमेल अच्छी बात नहीं है, बट आप कभी भी किसी को मारने अगर जाओगे सेल्फ डिफेंस में भी और उसको पता नहीं कि आप आने वाले हो तो कृपया चिल्ला के मत जाइएगा, बहुत ज्यादा डम आइडिया है वो, ठीक है, प्लीज डोंट डू इट। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर तो प्लीज ऐसा मत करना। उसके बाद हमें पता चलता है कि भैया जिस बंदे के साथ हम लोगों ने ऑपरेशन किया था सेजर मोरालेस मोटे को बुल को मारने के लिए, उस बंदे ने ही हमारे खिलाफ धोखा रचा है और हमारा भाई उसका माइक्रोफोन ऑन कर लेता है और हम सब कुछ सुन लेते हैं। ये बंदे ने ड्रग्स प्लान करके हमारे खिलाफ, और नहीं ये मजे वाले ड्रग्स नहीं है, ये ऐसे ड्रग्स है जिसमें आप ओवरडोज करके इजीली मर सकते हो, और वो जो ऑफिसर है उसको मार देता है, मतलब ओवरडोज करा देता है, जो मेरे को फर्क भी नहीं पड़ता, बट हमारे भाई के साथ भी ऐसा करता है। और अपेरेंटली उसने हमारी बंदी एंजेला को भी बोलते हैं ना रस्ते से खींच के उसके बालों से लेके गया है, जो हम बिल्कुल भी करेंगे नहीं ना भाई। ओवरडोज होना एक चीज है, बट अपनी बंदी का डिसरिस्पेक्ट मैं कभी सहन नहीं करूंगा। तो अपन जाते हैं टैक्सी में और टैक्सी में निकलने की कोशिश करने वाले हैं। टैक्सी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि साला ये टैक्सी वाला मेरे को अंदर लेता ही नहीं है, क्योंकि इस बंदे ने अभी जस्ट मेरे को यहाँ पे छोड़ा था तो ये वहीं पे रुका था, उसको पता था क्या होने वाला है, बट जब तक हमारा डायलॉग खत्म नहीं होगा ये बंदा हमको अंदर नहीं लेगा। यार भाई क्या फालतू की ले, अंदर लेट हो रहा है क्या फालतू की, बट वो फिर हमको आगे बिठाता है और वो हमको छोड़ता है टोल ना कमें। मेरा मानना है कि अगर मैं बोल रहा हूँ यूएस के बॉर्डर में छोड़ तो टोल लगा के आगे जाके छोड़, इतना पीछे मत छोड़। और टोल लगा में पूरा इन लोग करप्ट ऑफिसर से भरा हुआ है, कितने पैसे है भाई ये पापा मुर्दे के पास, और भाई अगर इतने पैसे है तो मैं उसके लिए काम करता हूँ ना, हम क्यों उसके खिलाफ है, उसके बंदों को मारते हैं, उसको बोलते हैं हम तेरे लिए काम करते हैं सॉर्ट करते ना डील, बट टोल लगा में इतने सारे लोग हुए कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा ऑपरेशन है और इसको बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, तो हमें कुछ भी करके ऑपरेशन को भी शट डाउन करना पड़ेगा, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारी बंदी और भाई को बचाना पड़ेगा। पूरे रस्ते में बहुत ज्यादा रोड ब्लॉक्स रहते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग आपके ऊपर फायरिंग करते रहते हैं, और ये रोड ब्लॉक्स को बहुत ज्यादा अच्छे से आर्म करके रखा है, उन्हें बोलते ना अच्छे से ब्लॉक लगा रहे गाड़ी लगा रहे, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली इनके पास वेपन्स भी खतरनाक वाले, क्योंकि साले रॉकेट लॉन्चर फेंक फेंक के हमारे जान लेते हैं। थैंक गॉड हमारे पास रिवाइंड का फीचर है, बट तो सबसे फालतू चीज ये है कि साला पूरे रस्ते में रोड ब्लॉक थे लेकिन जो मेन एंट्रेंस है वहां पे तुमने एक वॉचमैन को रखा है। लाइक इमेजिन IIT बॉम्बे में आप एंट्री मारने जा रहे हो, उसके स्टार्ट में उतने सारे लोग, इतना अच्छी टाइट सिक्योरिटी आपको अंदर जाने के लिए, और जब अंदर आप बोलते ना सबसे बोलते ना वट के घुस भी लिए तो जो गर्ल्स हॉस्टल है उसमें एक पतला सा स्किनी लड़का एज अ वॉचमैन बैठा है। लाइक इमेजिन करो उस लेवल की सिक्योरिटी, मैंने पता नहीं क्यों गर्ल्स हॉस्टल बोला, बट हम लोग DEA बिल्डिंग के अंदर एंट्री मारते हैं, और भाई DEA बिल्डिंग मानना पड़ेगा, इस एजेंसी के लिए हम काम कर रहे हैं हमको अच्छे पैसे तो मिलने चाहिए, क्योंकि साला मस्त एकदम टॉप क्वालिटी बिल्डिंग है। इस टॉप क्वालिटी बिल्डिंग के अंदर टॉप क्वालिटी ग्रेनेड्स यूज करके हमको मार रहे हैं और साला रॉकेट लॉन्चर फेंक फेंक के मार रहे हैं, मतलब इन लोगों को ये आइडिया नहीं है कि क्लोज कॉम्बैट में कभी भी बोलते ना ऐसा एक्सप्लोसिव यूज नहीं करने का, बट एनीवे एक्सप्लोसिव हमारे पास भी है, वो है हमारा बुल।
Now I'll be honest, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं ना अलग अलग प्रकार के मूव्स करके उनको मारते हैं, बट टू बी जनरली ऑनेस्ट यहाँ पे कमेंट्री करने को कुछ है नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है और इसको आप लोग एक एक करके क्लियर करके आपको ऊपर जाना पड़ेगा। वो बात अच्छी है कि इन लोग के जो DA के जो ऑफिसर्स है जो शर्ट पैंट इन करके भी गोली चलाने को तैयार है, बट हमारा भाई और वो बंदा बुड्ढा जो सूट में और हमारा भाई जो माना कि वो हैंडीकैप है, बट थोड़ा तो मदद करना चाहिए ना, क्या ओवरडोज होकर मर रहा है, अच्छी क्या वेस्ट आदमी रहेगा। एनीवे हम लोग जो एंटी रोड है जिससे वैसे उन लोग ओवरडोज नहीं करेंगे वो लेके उनके पास आते हैं, बट फिर मेरे को दिखता है टेलीस्कोप, हम लोग देख उन लोग बच जाएंगे, बट अपन टेलीस्कोप में एक फाइट देखने वाले हैं। फाइट देखते हैं लूचा मैन वर्सेस लूचा मैन की। आई मामा करंबा, इट इज द ग्रेटेस्ट फाइट आई हैव एवर विटनेस्ड, अनबिलीवेबली अमेजिंग। मैं उन लोग को उठाता हूँ, उठाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है क्योंकि उनके छाती में सीधा अपन इंजेक्शन मार के उनको खोल देते हैं और फिर हम लोग उनसे बात करने जाते हैं, लेकिन हमारा जो भाई है वो क्लियरली अपने बोलते ना होशो आलात में नहीं है, मतलब वो बहुत बुरी तरह से उसके लौड़े लगे पड़े हैं। हमारा जो दूसरा बंदा है जिसको मैं मारना चाहता था, वो बंदा बोलता है कि ये की कार्ड ले नीचे जा, नीचे बॉम्ब लगा हुआ है और वही तेरे बंदी भी उधर ही किधर रहेगी, और ये बंदा बोलता है उसने हमारे बाप को मारा, एंड हमारा बंदा इज लाइक आई नो हम जाने वाले हैं। सैविज तरीके से निकलने के बाद हमको रियलाइज होता है कि साला एक एलिवेटर रहेगा जिसका अंदर से आपको नीचे जाना है, और बिल्डिंग का स्ट्रक्चर आप देखो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बीचों बीच एलिवेटर जो कैप्सूल जैसे दिखता है उससे आप नीचे जाओ सबको मारो, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और ऐसी लाइफ हम भी डिजर्व करते हैं क्योंकि हम लोग अपने खुद के दम पे है और माँ बाप के पैसे या फिर पहचान से नहीं आए हैं। माँ बाप के पैसे से आने वाले को बोलते हैं नेपोटिस्ट, हाँ ये नेपोटिस्ट लोग बहुत ज़्यादा बुरे, मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं, अपन मेरिट से आए हुए हैं और हम लोग को ऐसी लाइफ डिजर्व है, ये नेपोटिस्ट बच्चे जो बोलते हैं ना यहाँ पे बैठे काम करने के लिए वो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते। वन ऑफ द प्राइम एग्जांपल नेपोटिस्ट को बहुत कुछ मिलता है इस बॉलीवुड, आई डोंट नो इतने बोलते ना इतने सारा फेशियल पाउडर वगैरह लगा के कहाँ से आते हैं ये लोग जो बोलते ना बड़े माँ बाप के लड़कियाँ लड़के हैं और उन लोग को इजीली रोल मिल जाते हैं और अच्छे अच्छे एक्टर्स पीछे रह जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा बुरी बात भी है। बट नेपोटिज्म के साथ साथ आपको आती है हॉटनेस भी, और जो आवारा लड़के हैं उन लोग को एक मौका मिल जाता है अपने आप को अनलोड करने का। आई डोंट नो मैं टॉपिक से स्ट्रे क्यों, बट हमको एक रैंडम लीवर मिलता है जिसको जब हम खोलते हैं ना तो हमको दिखता है एक ट्रेन, ना ये ट्रेन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि वो जो बंदा है ना उसने हमारी बंदी को लेके वो निकल लिया है ट्रेन मैनेजर को लेके, वो ट्रेन में भागा है तो हम उसका पीछा कर पाएंगे। तो जो ट्रेन का गेट है हम उसको भी खोल देते हैं, बट उसके साथ खुलता है एक और दरवाजा जो हमको लेके जाएगा बॉम्ब की तरफ। ना बॉम्ब के आसपास उसके जो बेस्ट आदमी है जो सबसे अच्छे है उन लोग वहाँ पे है और मैं उनको माने जाता हूँ, बट ये जो मिशन है ना मेरे से कभी अकेले नहीं हुआ है, और मैंने लास्ट टाइम यानी कि जब मैं फोर्थ टाइम में था तब मैंने जो गलती की थी मैंने अभी भी वही गलती कर ली। ये ग्रेनेड लॉन्चर वाला हमारा जो बंदा है ना स्केलेटन लेके आता है मारने को, मैंने वो वाली एबिलिटी यूज करी, ये बंदा मेरे मुंह पे ग्रेनेड लॉन्चर मारा, चल ठीक है एक बार गलती हो सकती है, इंसान से एक बार गलती होती है। अबे तेरे सामने हो तो क्यों वापस मार रहा है, अक्कलम की चीज है तेरे को, नॉनसेंस। इट्स रियली फनी कि मैं फोर्थ टाइम में था तब भी मैंने यही सोचा था कि इसको मैं लूज करूंगा और तब भी मैं इसके वजह से बहुत पछताया था, क्योंकि अब रिवाइंड करते रहोगे ना तो फकिंग वो बंदा वापस जाता नहीं, बहुत ज्यादा बुरे हाल हो जाते हैं। बुरे हाल से याद है हमको फोकलिफ्ट लेना है और फोकलिफ्ट लेके हमको बॉम्ब निकालना है। आप बोलो कि बॉम्ब डिफ्यूज क्यों नहीं करते, तो बॉम्ब बहुत ज्यादा बड़ा है तो फोकलिफ्ट लेके हमको उसे निकालना है, हम उसको फिर ट्रेन में डालते हैं और उस ट्रेन को लेके हम यहाँ से दूर जाने वाले हैं। इससे फायदा ये होगा कि बॉम्ब DA की बिल्डिंग के बाहर चली जाएगी और हम लोग फुल स्पीड में उसको बाहर कहीं दूर जाके फोड़ देंगे, ऐसा वो लोग सोच रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ मैं ट्रेन में बॉम्ब तो फोड़ दूंगा, बट ट्रेन के साथ साथ मैं उस ट्रेन में उड़ी भी मार सकता हूँ इन सिनेमैटिक साउथ इंडियन स्टाइल, और उसके साथ हमारी ट्रेन तो फूट गई हम भी बच गए, लेकिन हमें मिल सकती है एंजेला ऑन अ फाइनल स्ट्रेच। नाउ ये मिशन मेरा मानना है वन ऑफ द बेस्ट मिशन मैंने जो खेला है आज तक का वो है। इसमें जिस लेवल का एक्शन है ना कुछ गेम्स के अंदर पूरी गेम में भैंसो इतना एक्शन नहीं था जितना इस एक मिशन में था। इसकी मिशन की स्टार्ट में एक बंदा बोलता ना ऑफकोर्स उसको पता नहीं कि हम लोग आने वाले हैं तो हम उसको मशीटी से मारते हैं जो उसको पता चल जाते हैं, बट बहुत बहुत मजा आता है उसको मारने में। ये जो काउबॉय वाला बंदा है वो आगे ऊपर ऊपर से भाग रहे थे ट्रेन के, हम लोग सबको मार रहे हैं, वो ऊपर भाग रहे नीचे भाग रहे क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा। और जिस बंदे का हमने जिंदा छोड़ा था ना वो एजेंट, वो बंदा हमको बोलते हैं कि हम लोग ने दो फाइटर जेट डिप्लॉय कर लिया और लोग आगे के ब्रिज को तोड़ देंगे। तो मैं उसे बोलता हूँ देखो तुमने एंजेला और मेरा उपयोग किया और तुम लोग को जो काम था वो हो गया, अब मेरे को एंजेला को बचाना है तो एनी इज लाइक ठीक है तुमको बचाना है तो बचा यहाँ से निकल। मेरे को ये बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि साला जब जिस बंदी ने हम मेरे को जिंदा बचाया है उसको बचाने के टाइम यू आर लाइक ओए नहीं 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 ये बंदा बहुत खतरनाक है इसको मारना चाहिए, शट अप मेरे को बचाना है वो बंदी को यार, कितने एटलीस्ट गेम में तो इतनी अच्छी बंदी मिल रही है मेरे को। एनीवे यहाँ पे वियर्ड स्टफ होता रहता है, जैसे कि एक जो क्रेन है उसमें आपको उड़ी मारना है, चलती ट्रेन में ये जो क्रेन का जो ये है ना वो लॉग वहाँ पे उड़ी मारना है और फिर वहाँ से आपको लोगों को मारना है और फिर उधर से आपको आगे बढ़ना है ना, आपको देखने में उतना मजा नहीं आएगा बट मैं जेन्युइनली बोलूंगा अगर आप ये मिशन खेलोगे ना फट के हाथ में आएगी ये सेगमेंट में। ऑल्सो अलग अलग सेक्शन में अलग अलग मशीन गन्स है कार्स उसको फोड़ के आप बोलते ना बहुत इंजॉय कर सकते हो। मेरा मानना है अगर किसी ने गेम खेली नहीं, अगर आप GTA 5 वाले या फिर न्यू ऑडियंस हो प्लीज़ ये गेम खेलो, बहुत बहुत मजा आएगा भाई,
गजब से बोल रहा हूँ, कोई चींटी इसके करीब नहीं आ सकती एक्शन के मामले में। विद एक्शन कम्स डेथ और विद डेथ कम्स माय डेथ। तो मैं उसको बार बार मरता तो हूँ, बट यार थोड़ी सी आप लोग मर सकते हैं इतने एंजॉयमेंट के लिए। बंदे बोलते हैं ओ तू मेरे पीछे आ गया, बहुत ज्यादा फनी होगा ना अगर मैंने ये ट्रेन का जो इंजन है उसी को डिटैच कर दिया और यहाँ से दूर भाग गया। तो इंजन को डिटैच करके बोस्टडी का आगे निकल जाता है और एंजल और एंजल के सामने है। ये जो बंदे ने जो फाइटर जेट भेजे उन लोग इतने कल वाले फाइटर जेट है कि एंजेला सामने है, मैंने बोला है तो दिन लोग क्या सोचते पता है? अपन एक काम करेंगे, सामने जो ब्रिज अपने को दिख रहा है अपन उस ब्रिज को उड़ाई डालेंगे तो क्या टेंशन ही नहीं होगा। मतलब जो ना बंदा मर जाएगा उनको ये नहीं पता कि साला एंजेला उसके अंदर है और वो भी उसके साथ मरने वाली है। रियलाइजिंग कि उसकी बंदी मरने वाली है, वो गुस्से में एक चीज को पंच करता है, मैं भी करूंगा इतनी हॉट बंदी मरने वाली है। तो और जब उसको पंच करते तो अंदर मिलता है एक बाइक। ये ऐसी वैसी बाइक नहीं है, ये है सैंचेस वाली बाइक और यस ये एक परफेक्टली टाइम बाइक है। अब भैया इस वक्त मैं सच बोलना चाहूंगा, मैं कन्फेस करना चाहूंगा, r/confessions में आके हम कन्फेस कर रहे हैं कि भैया हमने ये मिशन नहीं किया है। जी हाँ, इस पार्ट के बाद मैंने ये मिशन कभी नहीं किया है। इस पार्ट पे मैं बचपन में मरता था क्योंकि ये मशीन गन इतनी डैश है, मैं गाली कम दे रहा हूँ, डैश मशीन गन BHADWI है ये मशीन गन कि साला हम पे ऑटो एम करे। ये एम हैक से यार, ये तो गलत है, ये चीटिंग है इस पॉइंट पे। और ये कौन सी टेक्नोलॉजी जो बंदे पे इंडिविजुअली एम करते जो हमको नहीं आई थी उस टाइम पे, इन सालों को आ गई थी, ये तो गलत है भाई, ये चीटिंग है भाई इस पॉइंट पे। अनदर इशू है मैं बार बार ठोक देता था बाइक को और उसके बाद मैं बचपन में बोलता मेरे पास इतना पेशेंस नहीं था तो मैं किधर और जाकर ठोक दिया, फिर बाइक को ठोक दिया तो मैं उसके बाद कवर अप नहीं कर पाता था। बट अब मेरे पास पेशेंस और स्टोरी सिस्टम है और मैं कैसे कैसे कर गया। देखो मैं नीचे ऑलमोस्ट गिर गया था फिर भी वापस ऊपर आया, उतना डेडिकेशन भी है मेरे को मिशन कंप्लीट करने का, क्योंकि बचपन में मेरे को लगा था बंदी सही यार हॉट है। बट अब इस वक्त आपको रियलाइज हुआ कि जब आपको नहीं मिलती ना तो आपके गेम के कैरेक्टर को जो मिल रही है ना उसे प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। 30 सेकंड्स के आसपास हम लोग बहुत ज्यादा बुरी हालत में रहते हैं और यहाँ पे आसपास क्लिफ से हमको कुछ भी करके 30 सेकंड के अंदर अंदर उसके पास जाना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे शॉर्ट हो जाएगा सीन और ट्रेन की गन को हम लोग यूज के साथ फोड़ देते हैं। 25 सेकंड के अंदर हमको ट्रेन के आगे जाना है जो थोड़ा सा बहुत डिफिकल्ट लगेगा आसपास क्लिफ्स के साथ, बट हम कैसे कैसे करके उसके ट्रेन के एग्जैक्ट आगे जाते हैं। It's time to fly or die. If you don't make it, I want you to know you are gorgeous. And if we do make it, forget I ever did that. Gracias, Ramito. That was breathtaking. I didn't know you had it in you. Risky, but very exciting. What, the jump or? Both, idiota. तो हाँ जी, हमने एंजल को बचा लिया, इसको फाइनली पुफी मिली और सो हमने उस बंदे को मार दिया जिसने हमारे बाप को मारा था। वेल नॉट एग्जैक्टली, बट जिस बंदे ने हमारे बाप को मारा था वो है पापा उम्बर्ट और उसको मारने के लिए हमको खेलनी पड़ेगी अगली गेम जो आई नहीं थी। जी हाँ, अब मैं वो इमोशनल सेगमेंट में आने वाला हूँ जिस सेगमेंट में मैं हमेशा आता हूँ, जो मैंने GTA 3 Vice City सब में किया था, वो आने वाला है टोटल ओवरवेस के लिए। मेरे को एक गेम मेरे भाई ने 4th Stand में दी थी। मेरा पर्सनल स्टोरी ये है कि मेरा भाई ने मेरे को बोला था मैं सैंड्रस लेके दूंगा, उसने 2 बार सैंड्रस लाए, दोनों बार वायरस था, तीसरी बार लाया उसमें वायरस था। तो इस बार उसने एक बैकअप गेम लाई थी टोटल ओवरडोज बोल के कि भाई तू ये खेल ले जब तक मैं सैंड्रस का बंदोबस्त नहीं करता हूं। ये गेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी क्योंकि उस टाइम पे मेरे को रात को आधा घंटा खेलने मिलता था सिर्फ, और वो रात के आधे घंटे में मैं इस गेम को बहुत मजे से खेलता था। और मेरे को ना नया था क्योंकि मैं ज्यादा गेम्स खेलता नहीं था, बट मैं एज इन मतलब टाइम मेरा ज्यादा नहीं था और वैरायटी नहीं थी मेरे गेम्स में, मैं सिर्फ वाइस सिटी या फिर GTA 3 खेलता था। तो जब मैंने ये गेम देखा ना कि इसकी ग्राफिक्स थोड़ी उतनी अच्छी नहीं है, थोड़ी सी खराब है, लेकिन जिस लेवल का इस गेम पे एक्शन था ना मैं बौखला गया भाई। मैंने बोला भाई ये क्या चल रहा है, ये क्या स्कैम है, हो क्या रहा है भाई, मैं कहाँ हूँ इस सब में, मेरे को पता क्यों नहीं था इस बारे में। बट anyway, उसके बाद मैंने इस गेम को कॉन्स्टेंटली आई थिंक पूरा 4th Stand इसको और मैंने प्रो एवोल्यूशन सॉकर 2004 का एडिशन था वो खेला था, और सिंस इसका मिशन मेरा खत्म नहीं हुआ था लास्ट वाला वो मैं कंप्लीट नहीं कर पाया था, तो इस वजह से मैं ये गेम को छोड़ दिया। बहुत साल बाद बहुत ढूंढने का मेरे को लिटरली एक रेडिट पोस्ट पे मेरे को किसी बंदे ने कमेंट किया था कि भाई मेरे पास है, तो मैंने उसको पर्सनली मैसेज किया था कि भाई प्लीज भेज दे मेरे को जरूरत है। उसने भेजा था और उसमें ऑडियो का इशू था, फिर मैं बोला ना थक गया और मैंने बोला भाई भाड़ में का कंप्यूटर कोई वायरस वाली साइट से मिल जाए तो चलेगा, और मेरे को एक रैंडम साइट पे वो गेम मिल गई फाइनली और मैं इसको आसाम से इंजॉय कर पाया। वेल इस गेम की स्टोरी एक्चुअली अच्छी है, इसमें एक्शन पैक है, इसमें देखने को भी है, बट एक चीज नहीं है वो है इस गेम का सीक्वल। जी जिस बंदे ने एक्चुअली हमारे बाप को मारा था पापा मुझे थे उसको मार नहीं पाते, वो एक्चुअली सीक्वल में होने वाला था जो था टोटल ओवरडोज 2 टकीला गन राइस। नाउ मैं एग्जैक्ट वीडियो आपको लिंक कर दूंगा, लेजी असैसिन जो है हमारे लेजेंड उनकी एक वीडियो है, उसको आप जाके देख लेना आपको समझ जाएगा क्या सीन है। बट अपेरेंटली वो गेम बन रहा था और साला स्टूडियो ही बंद हो गया। अबे ये क्या है?
क्या, इट्स लाइक इमेजिन आपकी बंदी है, यू आर लाइक फाइनली बोलते ना, दो साल आप डेट किए और सब कुछ अच्छे से चल रहा है, अच्छी बंदी है, और फिर फाइनली यू आर लाइक यू आर अबाउट टू यू नो, आप बहुत ज्यादा बोलते ना क्लोज होने वाले हो, और फिर पता चला बंदी मर गई। ये उस लेवल का स्कैम है बे, ये स्टूडियो कौन बंद करता है भाई। एनीवेज उन्होंने स्क्रीनशॉट वगैरह रिलीज किए थे, आप यूट्यूब वगैरह पे देखोगे तो आपको मिलेगा, बट बहुत ज्यादा बहुत ना मिस्ड अपॉर्चुनिटी मेरा मानना है कि ऐसी इतनी अच्छी गेम को उन्होंने सीक्वल बनाया नहीं। वो बात अलग है कि फॉरेन कंट्रीज में गेम फ्लॉप हुई थी, बट अगर मैं पर्सनल नोट पे बताऊं तो अब हम बात करते हैं इस गेम की मेरे पर्सनल अंदाजे से। इवन दो मैंने एटलीस्ट 11-12 साल बाद इस गेम को वापस खेला, मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से इन्जॉय किया है। जिन लोगों ने बोलते ना बचपन से गेम खेलते रहे, उन्होंने अगर ये गेम नहीं खेला ना तो मेरा मानना आपने एक लॉस लिया है, एल लिया है, क्योंकि ये गेम बहुत ज़्यादा अच्छी है, बेहतरीन है, मज़ेदार है, आप लोग को नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट मिलता रहेगा। आप ये पूरी गेम को कम्प्लीट करो, मतलब चैलेंजेस वगैरह भी करो, तो आपको नेक्स्ट लेवल पे मज़ा आएगा। वो इतना फास्ट पेस एक्शन साउथ इंडियन स्टाइल मुझे नहीं लगता कोई और गेम में ऐसा बोलते ना मिलेगा आपको। इसने GTA और मैक्स पेन को काइंड ऑफ कंबाइन करके इतना बड़ा जो गेम अच्छा बनाया है वो बनाया है, बहुत ज़्यादा बेहतरीन गेम है। उसके अलावा मुझे लगता है ये गेम की यूनिकनेस ही उसका एक्शन है, बिकॉज भाई इसके अलावा आई थिंक डेडपुल की एक गेम है जिसमें बहुत ज़्यादा एक्शन है, मेरे दोस्त ने बहुत था। बट या मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई इंडियन डेवलपर है जो नया ओपन वर्ल्ड गेम बना रहा है तो उसको जेनेरिक मत रखो, उसको प्लीज़ थोड़ा बोलते ना ऐसा थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स भी सोचो, मतलब थोड़ा सा एकदम बोलते ना कुछ अलग सा करो, जैसे कि इसमें बहुत ज़्यादा एक्शन था कुछ अलग सा करो तो ही जाके आपकी गेम स्टैंड आउट करेगी। एनीवे थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। एनीवे ये गेम हमेशा मेरे दिल के एकदम करीब रहेगी और मैं इस बार तो इसको डिलीट नहीं करने वाला, कहीं ना कहीं तो मैं बोलते ना अच्छी लिंक वगैरह कुछ तो अपलोड करके इसको रख दूंगा, क्योंकि घंटा है मेरे से दूर जाने नहीं वाली। एनीवेज जितने लोगों ने सीरीज देखा आई होप कि आप लोगों को पसंद है कि भाई टोटल रोल्स में लोग वापस जा सके। आई थिंक तीसरी जो वीडियो थी सीरीज की थोड़ी सी बोरिंग रही होगी, उसके अलावा आई होप कि आपको ये सीरीज पसंद है, आपको अपने बोलते ना बचपन की यादें याद आए, थोड़ी सी अंडररेटेड सीरीज है, माना कि इंडिया में बहुत ज़्यादा प्यारी है, बट हाँ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है सीरीज के साथ भी ओवरऑल, लेकिन हाँ जो गेम है वो भाई बहुत खतरनाक है, बहुत मजा आया खेल के, बहुत ज़्यादा बोलते ना मेमोरीज रिलीव किए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सीरीज, आई होप आप सब अच्छे से हो, और ऑल्सो आई होप आप लोग सब हेल्दी हो, क्योंकि कोई तो हमारा सब्सक्राइबर अस्पताल में एडमिट हो गया था, फैन चो उसके लिए प्रे करो भाई, उसका कमेंट शायद मैं दिखा दूंगा। भाई मैं बोल रहा हूँ ना तुम लोग ये सब बोलते ना मुट्ठीबाजी इतना ज़्यादा करोगे अश्लील हरकतों देख के तो ऐसे होगा ना, वो रास्ता छोड़ दो, ये सब मैं कुछ नहीं रखा है, प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ लो भी मौका है भाई, कुछ ना होने वाला है ये सब करके, तुम लोग ध्यान दो भाई पढ़ाई पे। एनीवे थैंक यू वॉचिंग इस वीडियो, अगर आपको वीडियो बहुत पसंद है, आपका सीरीज बहुत ज़्यादा पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा। मैं आपको बोलता हूँ अगली सीरीज में जिसका मेरे को कोई आइडिया नहीं मैं क्या बनाने वाला हूँ, बट जो आएगा देखा जाएगा, क्या भाड़ में अब वैसे भी चैनल उग नहीं रहा है कुछ तो हम बना ही लेंगे। एनीवे सी यू सून बॉयज, मजे करो, बकचोदी करो, पीस आउट।